बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेपर नंबर 5, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये पास्ट पेपर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के। चूँकि लेक्चरर एजुकेशन, एस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन और हेडमास्टर का, इन सब का सिलेबस सेम होता है, तो ये पेपर जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल होंगे लेक्चरर एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन या दीगर एजुकेशन सब्जेक्ट के हवाले से जितने भी एग्जाम्स हैं, तो इनको करना, समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि 100% उनको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ उनको मैंने हल करने की कोशिश की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। द एबिलिटी टू थिंक इन नोवल एंड अनयूजुअल वेज इज कॉल्ड, तो ये क्रिएटिविटी है। विच इज़ बेसिक इमोशन, तो ये फियर है, ठीक है। पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ, तो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और एक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी होती है, वो थी ब्रूनर की। इस ब्रूनर की थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, कौन कौन से उसने दिए थे, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लॉ ऑफ इफेक्ट से जो था स्किनर, उसने अपेरेंट कंडीशनिंग दी थी। मॉडल ऑफ एट टाइप ऑफ लर्निंग वॉज डिजाइंड बाय, तो ये गैगने ने एट टाइप ऑफ लर्निंग मॉडल दिया था। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पेजिटेरियन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन यानी कि आपको सिमिलैरिटीज़ जब लगती हैं कि ये चीज़ जो फलां है, जो पहले से आपके जहन में स्केच था, और फिर जब आप वाकई पहचान जाते हो किसी चीज़ को, तो वो होता है अकोमोडेशन। आप एडजस्ट हो गए हो, न्यू इन्फॉर्मेशन को आपने एडजस्ट कर लिया। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेजेस, तो ये है गाइडेंस। एक होती है काउंसलिंग, काउंसलिंग में फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट होती है। तो गाइडेंस में फेस टू फेस रिलेशनशिप भी ज़रूरी नहीं है, और डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट भी ज़रूरी नहीं है। और ये इंडिविजुअल का गाइडेंस, इंडिविजुअल की भी होती है और ग्रुप की भी होती है, और काउंसलिंग जो है वो इंडिविजुअल होती है। हायरार्की ऑफ नीड वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो, एट विच मैस्लो इसने हायरार्की ऑफ नीड दी थी, साइकोलॉजिकल नीड और सबसे टॉप की सेल्फ एस्टीम नीड। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है। द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज, तो ये फ्रांसिस गर्ल्टन। विच इज द बेसिक इमोशन, लव है बेसिक। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, तो ये एरिस्टोटल है, इसकी एक बुक भी थी डी एनिमा। फाउंडर ऑफ सोशियो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज, तो ये एरिक्सन था। अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसको कहते हैं। वर्किंग मेमोरी मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो 30 सेकंड तक रिकॉल होती हैं। परसेप्शन एंड इंटेंशन प्ले मेजर रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये परमानेंट फैशन मेमोरी भी कहलाती है। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ, तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म्ड बाय, तो ये कोहलर ने परफॉर्म किए थे। इसके बाद है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय, तो ये पियाजे के हैं। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो ये मैस्लो की है। द फोर्थ 5-year प्लान वाज स्टार्टेड, तो ये 1970 में शुरू हुआ था। इन विच ईयर द फिफ्थ 5-year प्लान, तो ये 1978 में शुरू हुआ था, और 6 जो था 1983 में शुरू हुआ था। देर वाज नो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान बिफोर, तो 1951 से पहले कोई भी किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं था। नेशनल बुक फाउंडेशन, इसने बैंक लिखा हुआ है, नेशनल बुक फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एजुकेशन पॉलिसी, तो 1972 के अंडर ये बना था। द ग्रेजुएट्स ऑफ इस्लामिक मदरसास गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979, ये जनरल ज़ियाउल हक का इरा था। परमिशन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
वॉज ग्रांटेड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1978 जनरल जियाउल हक वाले। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992 में, 98 वाली पॉलिसी थी और 1992 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। द इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड पाक स्टडीज वॉज मेड कंपल्सरी इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1978। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वॉज फार्मोलेटेड इन द एरा ऑफ, तो ये जनरल याह्या खान था और इसको नूर खान कमीशन भी कहते हैं, नूर खान पॉलिसी, क्योंकि इसमें वो जो था ना एयर मार्शल नूर खान, उसने ये प्रिजाइडेड किया था इस पॉलिसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉरमोस्ट एम्ड ऑफ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू एजुकेशनल सिस्टम इन लाइन विद द कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो ये क्या था, ये प्रिपेरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक था, प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वॉज रिकमेंडेड टू इंस्ट्रक्ट एट इंटर एंड डिग्री लेवल इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1970, तो ये एजुकोलॉजी था, बाई मीन्स ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस, क्या होता है ये ऑल पे आएगा, प्राइमरीली डिसिप्लिन इन द प्रोसेस ऑफ, तो ये अबाइडिंग बाई द लॉज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल्स, तो स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जो हमारा लिटरेसी रेट कम है इसकी भी वजह यही है, स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन। उमांग द लिस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज पाकिस्तान फॉल्स, तो ये सिक्स प्लेस पे है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट बर्थ रेट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल टेक 20 years टू डबल। इट इज़ रिकमेंडेड इन ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड ग्रेजुअली रेज टू 8 years। पहले 5 साल के पीरियड के लिए फ्री की गई, फिर उसके बाद उसी को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एजुकेशन डिवीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन December 30, 1958। वैन कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिलेबस, 1961 में ये न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इससे पहले कोई भी सिलेबस नहीं था इनका अपना डेवलप किया हुआ। हु वॉज अपॉइंटेड एट द एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, तो ये सर सैयद अहमद खान है। हु सेड दैट कांग्रेस वॉज मेनली अ हिंदू बॉडी विच कैन नेवर बी सिंसियर टू द मुस्लिम्स, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। हु रोट एन एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। हु पब्लिश्ड द मैगजीन तहजीब उल इखलाक, ये भी सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश किया था, हफ्तावार होता था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ऑल है ये, तो सर सैयद अहमद खान हिज अर्ली एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम, तो मैटरनल ग्रैंड फादर से ये ली थी, और ये लेक्चरर एजुकेशन का जो 2017 में था टेस्ट, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द बिगनिंग ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ऑल आएगा, ड्यू टू सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट द हिंदूज, तो ऑल, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंस वर द मुस्लिम्स, ब्रिटिश ये समझते थे कि ये जो ब्रिटिश की जो इंडिपेंडेंस अपना हुई है ना इंडिपेंडेंस, तो इसके जिम्मेदार जो है वो मुसलमान है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड सर सैयद अहमद खान क्लोजली वॉच्ड विच सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, तो एजुकेशनल सिस्टम को ऑब्जर्व किया था, अल्लामा इकबाल ने भी उनके एजुकेशनल सिस्टम को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया था। मद्रास यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश 1856, तो जो 1856 का जो उनका था ना वो
उसके अंडर ये 1857 के अंदर बनी थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये भी 57 में, बम्बई यूनिवर्सिटी ये भी 57 में, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो था ये 1864 में आया था। ये सवाल जो था ये आया था हेडमास्टर को जो टेस्ट था ना, बल्कि ये तो पेपर ही वही है ना जो 2016 में हुआ था हेडमास्टर का, ये पेपर सारा है ही वो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द बेसिक एजुकेशन पर एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ सर्जन रिपोर्ट टू प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, तो ऑल इसमें था। इट वाज प्रपोज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन दैट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वुड बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी नहीं था मॉडर्न जो थी उधर कोई भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो थी इंग्लिश को उन्होंने किया था, इंडियन कोई भी उन्होंने लैंग्वेज नहीं ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मीडियम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया, मीडियम ऑफ ब्रिटिश, तो प्रोविजन ऑफ फेथफुल, अच्छा फॉर वाज द मीडियम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया इंडिपेंडेंस, हाँ ठीक है ये आल पे ही आएगा। इन यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंट्रा यूनिवर्सिटी बोर्ड भी इसको कहते हैं, तो सेटअप ये इंडिया की बात कर रहा है, 1925 के अंदर ये बना था, हमारा जो पाकिस्तान में बना था ये 1947 में बना था। सेपरेट डिपार्टमेंट एजुकेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1945 के अंदर ये बना था। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1945 के अंदर इंडिया की टेक्निकल काउंसिल, तो हमारी जो टेक्निकल काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी वो हमारे थे 1947 के अंदर हुई थी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कलकत्ता विडियाला वास, तो ये इंग्लिश था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल, तो हिंदू जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि इसमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो ऑल थे जी लिमिटेड एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन, तो 1902 में इसने रिपोर्ट पेश की थी। हु डेवलप्ड द करिकुलम ऑफ दरस निज़ामी, मौलाना निज़ामुद्दीन सहलवी। इस्लामिक एजुकेशन एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज ऑल गॉड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स, ऑल पे आएगा। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज, तो सेंट्रल पॉइंट क्या है ये भी ऑल पे आएगा। द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, तो ये भी ऑल पे आएगा। देयर आर हाउ मैनी वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स, तो ये 35 है। When the pattern of curriculum which is being followed today in our universities was proposed by Kolkata University Commission, तो 1919 में ये proposed किया गया था, जो pattern अभी भी हम use कर रहे हैं, subjective and objective pattern papers का। How many engineering colleges were raised to the status of university? ये टू थे, टू colleges। When the new syllabi were इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एट फर्स्ट टाइम, 1961 में ये बना था। ऊपर भी मेरे ख्याल एक क्वेश्चन आ चुका है इसका, गालबन पिछले पेपर में था। एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन, तो ये सेकेंडरी लेवल है। देयर वाज हाउ मैनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, तो ये दो हैं। द मेन फीचर ऑफ द न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वाज द न्यू ओरिएंटेशन टुवर्ड विच वाज सब्जेक्ट, तो ये साइंस था। एट सेकेंडरी लेवल मच एम्फसिस वाज गिवन टू इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान, और ये 1978-79 की पॉलिसी थी, जनरल ज़ियाउल्लाह का दौर था। इन विच ईयर पाकिस्तान गवर्नमेंट इंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिवीजन ऑफ करिकुला बी ए बी एस सी एंड एम एम एस सी लेवल कोर्सेज टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, ये 1976 के अंदर हुआ था, 1972 की पॉलिसी के अंदर।
द यू जी सी स्टार्टेड इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर, तो ये टीचर्स के लिए था, टीचर ऑफ ऑल मतलब स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द करिकुलम डिजर्व अटेंशन, तो ये टू है जी। तो मकतब एंड मदरसा एजुकेशन सिस्टम वॉज फार्मूलेटेड बाय द मुस्लिम्स, द करिकुलम डिवेलप्ड बाय द मुस्लिम्स यूज टू बी टॉट इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज टिल 16, यानी कि 16वीं सदी तक ये पढ़ाया जाता रहा है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सेकंड ईयर की एक बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अलमाइटी अल्लाह कमांडेड एजुकेशन एंड नॉलेज, फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द हिरा माउंटेन, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ब्रॉट अबाउट, तो ये सारे आएंगे, डी पे आएगा। हु सेड मैन इज फोर्स्ड टू बी लर्न, इब्ने खल्दून ने कहा था, इब्ने खल्दून सेज दैट लर्निंग इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, लर्निंग इज अ ह्यूमन नीड, मैन इज फोर्स्ड टू लर्न, ये भी आर पे आएगा। अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून ये भी आल पे आएगा, इब्ने खल्दून विशेज टू डेवलप ये भी आल पे आएगा। हु सेड इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज हाफ इंस्ट्रक्शन, इब्ने खल्दून ने कहा था, वो कहता था कि मदर टोंग के अंदर होना चाहिए। सरनोगी वाज, तो ये फिलासफर एंड एन एजुकेशनिस्ट था। इन द इस सरनोगी का ना अल्लामा इकबाल ने किसी अपने शेर के अंदर जिक्र भी किया था, ये एक उस्ताद था फिलासफर। इन द वर्ल्ड ऑफ टूडे ये आल पे आएगा, द सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियंस तो कैन मिस गाइड द सब्जेक्ट्स, डेमोक्रेसी वर्क्स प्रॉपरली इन दोज सोसाइटीज वेयर दे आर इनाफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मतलब अमेरिका वगैरह जैसे है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो ये स्कूल है। Society is a group of people who adopts a particular culture, shares the common values, unites themselves, all of them, ये सारे आएंगे इसमें। Change in education leads to the change in society, the individuals of a society shares, तो ये सारे आएंगे। Information technology has इंक्रीज द नीड फॉर टेक्नोलॉजी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोगेटेड इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ USA, तो वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी है। द म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स लीड्स टू सोशल स्टेबिलिटी, तो ये भी हमारा पेपर ख़त्म हुआ, पेपर नंबर 5 था ये। तो इंशाल्लाह ताला मूव कर रहे हैं इससे अगले पेपर नंबर 6 की तरफ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।